नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। सपनों का भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मांगे 50 दिन। कभी भावुक तो कभी आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की बंदी के मुद्दे पर वादा किया कि भविष्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कदम उठाए जाएंगे, भले ही मुझे जिंदा जला दिया जाए। लोगों को धैर्य रखने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि आपको मेरी मंशा या मेरी कार्रवाई में कुछ भी गलत लगे तो मुझे सरेआम लटका दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आपका सपनों का भारत जरूर दूंगा। यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझे भी दर्द होता है, मैं उनकी समस्याएं समझता हूं, लेकिन यह सिर्फ 50 दिनों के लिए और 50 दिनों के बाद हम इस सफाई में कामयाब हो जाएंगे। विपक्ष खासकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़े बड़े घोटालों में शामिल लोग अब 4000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए कतार में खड़े हैं। मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि कुछ ताकतें मेरे खिलाफ है, वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, वे मुझे बर्बाद कर सकती है क्योंकि उनकी 70 साल की लूट मुश्किल में है, लेकिन मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, इस देश के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। यह सरकार ईमानदार लोगों को परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन बेईमानों को छोड़ना भी नहीं चाहती। मेरे साथ आप सिर्फ 50 दिन धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात जापान से लौटने के बाद सुबह जनता से अपनी अपील गोवा के पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयललिता ने कहा कि लोगों की दुआओं की वजह से नया जीवन मिला। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, देश से बाहर निकाले जाएंगे 30 लाख शरणार्थी। नोटबंदी का असर, खाड़ी देशों और कश्मीर के बीच 3 दिनों में कोई लेन देन नहीं। पाकिस्तान का सपना सच, चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह हुआ शुरू। घरेलू हिंसा के आरोप में शीला दीक्षित का दामाद सैयद मोहम्मद इमरान गिरफ्तार।